नगर थाना क्षेत्र के टुंडी रोड स्थित होंडा शोरूम के समीप बीती रात असामाजिक तत्वों के द्वारा राजगढ़िया परिवार की प्रॉपर्टी को जेसीबी के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा था। गुरुवार को इसको लेकर नगर थाने में आवेदन दिया गया। बताया गया कि 20 से 25 की संख्या में असामाजिक तत्व नशे में धुत था और शहर के बरगंडा निवासी राजगढ़िया परिवार के पुश्तैनी जमीन के दीवार को जेसीबी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। रात्रि में जानकारी मिलते ही राजगढ़िया परिवार के महिला पुरुष सभी लोग उक्त स्थल पर पहुंचे। इस दौरान जब वहां जेसीबी चलता देख राजगढ़िया परिवार ने इसका विरोध किया तो नशे में धुत असामाजिक लोगों ने राजगढ़िया परिवार के लोगों के साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया। इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए। जानकारी के अनुसार राजगढ़िया परिवार का पुश्तैनी जमीन नगर थाना से कुछ ही दूरी पर टुंडी रोड में स्थित है। बताया जा रहा है कि यह विवाद पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर खड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर पीड़ित राजगढ़िया परिवार के अरविंद राजगढ़िया, मयंक राजगढ़िया, स्तुति राजगढ़िया आदि ने बताया कि बड़ा चौक टुंडी रोड में उनकी फैक्ट्री के बगल में एक पुश्तैनी जमीन है जिसका बंटवारा आपस में नहीं हुआ है। जमीन पर उनके अन्य रिश्तेदारों का भी हिस्सा है। उसी के पीछे उनकी अपनी 100 कट्ठा जमीन खरीदी हुई है जिसमें अलग से बाउंड्री वॉल के साथ पक्के मकान बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि रात में संजय राजगढ़िया, अरुण राजगढ़िया और उसके साथ आए कई लोगों ने जबरन जेसीबी लगाकर कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। इन लोगों द्वारा इसका विरोध करने पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नगर थाना में लिखित आवेदन दे दिया गया है। इधर दूसरे पक्ष के अरुण राजगढ़िया ने बताया कि यह जमीन 110 वर्षों पहले इनके पूर्वजों ने खरीदा था। इस जमीन में इनका भी हिस्सा है। यह अपने जमीन हिस्से को बेचना चाहते हैं। मयंक और अरविंद राजगढ़िया द्वारा पूरे जमीन को कब्जा कर लिया गया है। जब मेरे हिस्से की जमीन से हटने को कहा जाता है तो वह हटने के लिए तैयार नहीं होता है। वही मारपीट संबंधित मामलों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यह झूठा आरोप लगाया गया है। मामला कुछ नहीं है, ये जॉइंट की जमीन है, पीछे मेरी फैक्ट्री है। इन लोगों ने रात को 10:30 बजे आया गुंडा लोग के साथ लेकर। मेरे को कोई खबर नहीं था। हम आधा घंटा बाद पता लगा हमको कोई से ये ऐसे ऐसे हुआ। हम लोग आए तो हम लोग के साथ मारा पीटी किया, मेरा हाथ तोड़ दिया। कौन लोग थे? ये संजय राजगढ़िया, अरुण राजगढ़िया और उसका लड़का अक्षय राजगढ़िया। क्या कहना है उन लोगों का? उन लोग कहना ये मेरा जमीन है, हम लोग लेंगे जबरदस्ती। तो ये वास्तविक में किनका जमीन है? उनका जमीन मेरा जमीन है, मेरे अंदर है कब्जा में। कितना जमीन है लगभग? ये कितना 2-3 कट्ठा जमीन होगा। तो कितना भी तोड़ने के लिए आए थे वो जेसीबी लेकर? करीब 10:30 बजे का बात है। 20-25 गुंडे थे तो हम दारू पिए हुए थे, बाहर भी दारू का बोतल पड़ा हुआ है। हम लोग वीडियो है मेरे पास खींचा हुआ, आप बोलिए तो वीडियो में फॉरवर्ड कर दूंगा। हम लोग थाना में FIR भी किया है। तो क्या करना चाहेंगे आप? क्या करना चाहेंगे? हमको प्रोटेक्शन चाहिए। हमको तो डर लग रहा है, मेरा फैमिली पूरी डर गई है। ये हम लोग के राजगढ़िया का खानदान में भी गुंडा पैदा हो गया है। उन लोग क्या, आप लोग का गुतिया ही है क्या? हाँ, आज तक ऐसा, हम लोग रेप्यूटेटेड फैमिली है, आज तक ऐसा काम नहीं हुआ है कहीं भी कभी भी। तो आगे क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो पीस चाहते हैं, अमन से रहे। उनको जो हिस्सा अपना बेचे हमको थोड़ी मतलब है। इस जगह पे हिस्सा है क्या उसका? ये हम लोग का, ये पूरा जमीन हिस्सादार है। वो जमीन बाउंड्री वाल मेरा है, वो बोलते हैं वो भी उन साथ में। और वो लोग भी तोड़ना चाह रहा हूँ उसको भी। हाँ, ये है जॉइंट का, आप अपना हिस्सा बेचिए ना, हम थोड़ी रोके हैं। बंटवारा भी नहीं हुआ? बंटवारा भी नहीं हुआ, और बिना बंटवारा का तोड़ दिया। हाँ, वो तो मेरा है, वो बंटवारा किया, वो बहुत पर्सनल है, हम खरीदे हैं। तो आपका जमीन क्यों तोड़ के बेच रहा है? इसी में जोड़ने के हिसाब से, इसी में जोड़ के बेचने का है। और आपने चाहते हैं बेचने के लिए? वो तो मेरा, हम अपना हिस्सा नहीं बेचना चाहते हैं। और वो तो हम, आप अपना हिस्सा बेचिए, हमको थोड़ी कोई, हम पर लड़ाई है, हम कैसे रोक सकते हैं आप कोई दूसरा अपना हिस्सा बेचे। तो आपके साथ में मारपीट किया है? हाँ। कौन किया है मारपीट? गुंडे लोग थे, हम मैं पहचानता नहीं हूँ। फोटो है, वो लोग तीनों खड़े थे, तीनों करवा रहे थे, वही तीनों करवा रहे थे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अरविंद राजगढ़िया। देखिए मेरे साथ मारपीट की, मुझे पुश किया, फिजिकली पुश किया। उन्होंने मेरे जब चाचा जी यहाँ पे थे तो मैं बोला कि इनके ऊपर जेसीबी चढ़ा दो। आई मीन टू से मैं डर गई हूँ। जो कल मैंने देखा जिस तरीके का व्यवहार, फैमिली अगर ऐसा कर सकते हैं तो और किसी से क्या उम्मीद ही रखे। कौन कौन लोग थे, क्या नाम है अंकल का? मेरे अंकल है श्री संजय राजगढ़िया जी, श्री अरुण राजगढ़िया जी
और क्या बोलते हैं, मेरे भैया थे अक्षय राजगढ़िया जी। तो कितने भी रात में आप लोग आए थे? मैं यहाँ आई थी 10:30, 11 के बीच में, 10:30 से 11 के बीच में। तो क्या सूचना मिला आपको? मेरे को कोई सूचना नहीं मिली, मैं पिक्चर देख रही थी रात को और नीचे गाड़ी की आवाज़ आई। मेरे पापा हॉस्पिटलाइज से 2 वीक पहले निकल रहे थे तो मैं तो उनके साथ गाड़ी में बैठ गई, मुझे तो पता भी नहीं कि हुआ क्या था। यहाँ आके मैं देखती हूँ कि वहाँ पे बाहर पे गेट पे इतने बड़ा पत्थर लगा हुआ है, गाड़ी अंदर नहीं आने दे रहे हैं वो लोग। दूसरा क्या बोलते हैं, इतना बड़ा पत्थर लगा हुआ है, मैं अंदर घुसने लगी, मेरे भैया और मेरे दोनों भाई और मेरे पापा अंदर घुसने लगे तो उनको धक्का दिया। जब उन्हें धक्का दिया तो मैं वीडियो बनाने लगी तो मेरे हाथ से ऐसे फ़ोन गिराया, उनकी गाड़ी यहीं पे खड़ी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ, और मेरे हाथ से फ़ोन गिराया। आपके साथ ही मारपीट की? हाँ जी, मुझे धक्का दिया, मुझे फिज़िकली पुश किया है उन्होंने, मेरे हाथ से फ़ोन गिराया है, दे मेरा हाथ पकड़ के टर्न किया, नोचा है किसी एक जन ने, आप देख सकते हैं हैंड मार्क्स हैं क्लियरली। और उसके बाद क्या हुआ है, वीडियो में प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, वो बोल रहे हैं मारो इनको, मारो इन। तो क्या मामला क्या है आप लोग का? मामला कुछ नहीं है, मुझे भी ये ज़मीन हमारी थी, हमारी फैक्ट्री है बगल में, ये 40 साल से हम यहाँ काम चला रहे हैं। उनको बेचनी है ज़मीन, वो अपनी प्रॉपर्टी बेचे, हमारी मंदिर, ये 100 साल पुरानी मंदिर है, आज मेरी श्रद्धा है इस मंदिर में। कल रात को वो गेट यहाँ का आके मैं डर गई, जब पापा और भैया लोग को बाहर किया तो मैं मंदिर आ गई कि चलो मेरे को तो नहीं तंग करेंगे, मंदिर आने के बाद तो नहीं घुसेंगे, इतना तो रेस्पेक्ट हो गई सब में। पर मंदिर भी हैकल करने लगे तो मैं आके उनकी गाड़ी में बैठ गई, और गाड़ी में बैठने के बाद वो मुझे बोलते कि हम तो इनको जानते ही नहीं। आगे क्या चाहते हैं आप लोग? मैं तो भाई प्लीज़ पीस चाहती हूँ, मुझे डर लग रहा है कि आज मैं गिल्ली की सड़क पर निकल पाऊँगी सेफली, या आज या 1 साल बाद या 2 साल बाद। मुझे डर लग रहा है मेरे पापा के लिए, वो 2 हफ्ते पहले हॉस्पिटल में थे, हाइपरटेंशन के पेशेंट है। हम लोगों का जॉइंट प्रॉपर्टी, 110 साल पहले ये जमीन खरीदा गया है हमारे दादा के भी, दादा थे उसमें अरविंद राजगढ़िया लोगों का भी हिस्सा है, हम लोग तो बहुत हिस्सेदार हैं, 8 दादा तो सबका हिस्सा है। अब वो पहले से ही वो उस पर वो कब्जा कर रहे हैं, अब हम लोग जमीन बेचने का कोशिश कर रहे हैं, अब वो हटने नहीं है, वो बोलते हैं हमारा जमीन है, तुम लोग कागज देखिए, हम लोग के पास कागज जरूर देखिए, आपका कागज हम लोग दिखा रहे हैं, अगर आपकी जमीन है तो हम लोग हट जाते हैं जमीन। उनका कहना है कि 52 एकड़ पूरा जमीन है, उसमें सभी का हिस्सा है, लेकिन पीछे वाला जहाँ से जेसीबी के द्वारा तोड़ा गया है वो हिस्सा वो खरीदा है, उस पर आप लोग कब्जा जमा पुराना खरीदा है, उसका रजिस्टर डीड का कॉपी भी हमारे पास में, जो वो खरीदे हैं 100 कट्ठा जमीन खरीदे उसका रजिस्टर डीड का कॉपी है, उसका चौधरी में दिखा रहा है कि जमीन जो है सो जी एस एम एल की जमीन, सब कुछ है, कागज पत्र।